सवा से गेहूं। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना देने में, छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी, ठगे जाने की चिंता ना थी, ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः संस्कारिता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या शाम एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खराव पैर में, ऐनक आँखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से मिल गए, उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी टान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को ऋण मुक्त समझ कर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र जी ने फिर ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था यह सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम के कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देख कर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्साहस कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा, अब गुजर बसर कैसे हो। बीमार 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई, जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर लेना, तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता, हजम कर लेना चाहता है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए, तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर ना अनाज है ना एक पैसा उधार। विप्र इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अबाक रह गया, ईश्वर मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी,
इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने सात सगुन विचारने द्वार आप पर आते हैं, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ सेवा सवा शेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता, क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे। बोला महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खालिहानी में शेर शेर दो दो शेर दे दिया। अब आप आज सारे पांच मन मांगते, कहाँ से दूंगा। विप्र लेखा, जो जो बखीसी सौ सौ, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह चार पसेरे दे दो। तुम्हारे नाम बही में सारे पांच मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा ले। दे दूंगा तो तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा। विप्र, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा, हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर भी उसकी चिंता ना रहती। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर ना था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। इस जन्म में ठोकर खा के जी ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे बूं। मगर यह कोई निनाय नहीं है, तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी घड़ी तगाजा कर लिए होते तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा भाई। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो। शंकर, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी समान जांच कर लाऊंगा तभी ना दूंगा। विप्र, मैं ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे। विप्र, बाजार भाव 5 शेर का है, तुम्हें 5.25 शेर का काट दूंगा। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए, 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े शुद्ध, साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प 1 रुपये, दस्तावेज की तहरीर शंकर के ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह पे कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चवेने पर ही दी जाती थी, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग ना कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया, उसने चिल्लम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुँचे थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं का आबुद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि वेधक सित को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बधकर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी मैं जल्द ही आपको हाजिर करूंगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी के उधार लिए क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, उसे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो तभी होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है, गांव में मैं हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ, अगर मेरे पूरे रुपए नहीं मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा,
अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाए उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ कहीं से 15 रुपए और लाने का फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उनका विश्वास नहीं था या किसी से पास रुपए नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार होने को हिम्मत नहीं थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक ना जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसने दुने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह छीन हो गया, मेहनत से घृणा ही हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासहीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारनी ना थी बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिचासनियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जाना नहीं चाहती थी। कपड़ों में चिकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। अब उसे रुपये अदा करने की कोई चिंता ना थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता था। पहले जूरी चढ़ी होती थी पर अब काम करने अवश्य जाता था, पर अब काम पर ना जाने के लिए बहाना खोजता करता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तगाजा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशान लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अभी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं है तो तुम हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है, सुध में तुम्हारे हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतवार पर छोड़ दूँ, कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे। और कहीं काम कर कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊँगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पाँव काटे के बैठे हैं। रहा मैं तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, उड़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता की में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 शेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेरी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वह काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे, बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति उसके सिर पर से ना उतरे।
शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद यह दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर से सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृतांत को गोपल कल्पित ना समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। धन्यवाद।